नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बिग टैग, मार्क टैग और स्मॉल टैग के बारे में जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं मार्क टैग क्या होता है। मार्क टैग जो होता है वो आपके टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए यूज होता है। जैसे हम कोई बुक पढ़ रहे हैं, बुक में हमें कोई हाईलाइट करना है चीज़, तो हम जैसे मार्कर से हाईलाइट करते हैं, येलो मार्कर से या किसी भी मार्कर से, तो उस तरह से ये आपके टेक्स्ट को हाईलाइट करता है। दूसरा टैग है आपका स्मॉल टैग। स्मॉल टैग क्या करता है कि जैसे आपने कोई टेक्स्ट लिखा है और उसमें आपको कोई ऐसी चीज़ है कि जिसको आपको स्मॉलर फॉन्ट में दिखानी है, आपको पूरा टेक्स्ट स्मॉलर नहीं दिखाना है, सिर्फ उसमें से कोई पर्टिकुलर एरिया स्मॉलर दिखाना है। जैसे हम लिखते हैं कि 50% डिस्काउंट और उसमें हम लिखते हैं टर्म एंड कंडीशन अप्लाई, तो वो जो टर्म एंड कंडीशन होती है जो हमें स्मॉलर में दिखानी होती है, तो उसके लिए एक तो आपको CSS स्टाइलिंग करनी होगी। लेकिन अभी तो हम CSS के बारे में देख नहीं रहे, हम तो सिर्फ HTML के बारे में देख रहे हैं। तो HTML में वो स्मॉलर टेक्स्ट दिखाने के लिए स्मॉल टैग का यूज़ होता है, ठीक है। तीसरा जो टैग है आपका वो बिग टैग है। बिग टैग क्या है कि अगर आपको कोई टेक्स्ट बड़ा दिखाना है चलते चलते, मतलब उसका आपको उसे एज ए हेडिंग नहीं दिखाना है लेकिन आपके नॉर्मल टेक्स्ट से बड़ा दिखाना है, तो वो बड़ा दिखाने के लिए हम बिग टैग का यूज़ करते हैं। तो अभी हम डायरेक्ट एग्जांपल देखते हैं तो अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ये हमारा एग्जांपल है, अभी ये मैंने यहाँ तक तो अपना रेगुलर टेक्स्ट है। हम मार्क टैग, स्मॉल टैग और बिग टैग के बारे में पढ़ रहे हैं। ये जो है ये हमारा सैम्पल टेक्स्ट है और यहाँ पे मैंने इसको मार्क टैग यूज़ किया है। अभी ये जो वर्ड है दिस वर्ड को मैंने मार्क टैग यूज़ किया है, तो वो आपको मार्क किया हुआ दिखेगा। सेम मैंने दूसरा एग्जांपल यहाँ पे लिया है, दिस इज अ स्टेटमेंट रेफरेंस फ्रॉम XYZ, तो उसमें से जो रेफरेंस जो वर्ड है रेफरेंस XYZ उसे मुझे स्मॉलर दिखाना है क्योंकि वो एक रेफरेंस है, मुझे उसे बड़ा करके नहीं दिखाना है, तो उसको मैंने क्या किया यहाँ पे स्मॉल टैग यूज़ किया। और तीसरा हमारा एग्जांपल है दिस इज अ नॉर्मल टेक्स्ट, तो इसे मुझे वो पूरी की पूरी लाइन मुझे बड़े साइज में दिखानी है, तो उसके लिए मैंने क्या किया नीचे बिग टैग यूज़ किया और उसको कहा दिस इज अ बिग टेक्स्ट। अभी हम ब्राउज़र में देखते हैं ये कैसे आता है। ये हमारा ब्राउज़र में रेंडर हो चुका है, थोड़ा बड़ा कर दो तो आपको अच्छे से दिखेगा। ये हमारा सैम्पल टेक्स्ट था और ये हम मैंने यहाँ पे मार्क टैग यूज़ किया था, तो मार्क टैग यूज़ करने के बाद इसका कलर चेंज हो गया है, ये येलो हो गया है। सेम मैंने इस स्टेटमेंट में क्या किया था, मैंने रेफरेंस को स्मॉल टैग यूज़ किया था, तो आप देखिए आपका जो स्टेटमेंट है यहाँ तक का वो बड़ी साइज में आया है, उसके कंपेयर में ये रेफरेंस XYZ स्मॉलर साइज में आया है, ठीक है। सेम यहाँ पे हुआ है, हमारा जो टेक्स्ट को हमने बिग टैग यूज़ किया था वो तो बिग हो गया और बाकी जो आपका नॉर्मल टेक्स्ट था वो नॉर्मल इसमें आया है। इस तरह से ये तीनों टैग काम करते हैं। अभी इसमें से जो बिग टैग जो है वो अभी HTML5 में निकाल दिया गया है, सो अभी इनका बायोडाटा देखते हैं। सबसे पहले है हमारा मार्क टैग, दूसरा है हमारा स्मॉल टैग और तीसरा है हमारा बिग टैग। ये तीनों भी टैग जो है ये तीनों टैग पेयर में आते हैं, इनलाइन एलिमेंट है, सारे ब्राउज़र इनको सपोर्ट करते हैं, सारे एट्रीब्यूट्स इसमें सपोर्ट करते हैं। अभी ये जो मार्क टैग जो है ये तीनों में क्या डिफरेंस है वो समझ लीजिए। ये जो मार्क टैग जो है ये HTML5 में इंट्रोड्यूस हुआ है, स्मॉल टैग में कोई चेंजेस नहीं HTML5 में, और जो आपका बिग टैग जो है वो HTML5 से निकाल दिया गया है। सो, अभी हमारे लिए वैलिड एलिमेंट दो ही है, एक स्मॉल टैग और एक मार्क टैग, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम फॉन्ट एट्रीब्यूट के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।